आगे बढ़ते हैं। नारायण साईं पर पुलिस का शिकंजा और कसता जा रहा है। आज सूरत पुलिस ने नारायण साईं पर एक एक करके कई खुलासे किए, ऐसे खुलासे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस के मुताबिक 3 महीने पहले जिन 42 बोरों को सूरत पुलिस ने अहमदाबाद के एक फ्लैट से बरामद किया, उसमें नारायण ने 9,000 करोड़ के साम्राज्य के कागजात बंद थे। काले धन, विदेशों में बैंक अकाउंट और 9 राज्यों करोड़ इस कागजात का जब हिसाब किया गया तो नारायण 9,000 करोड़ का मालिक निकला। शमशेर सिंह और निर्णय कपूर की रिपोर्ट देखिए। नारायण साईं के कालेधन का कच्चा चिट्ठा खुला। 42 बोरों में बंद 9,000 करोड़ का साम्राज्य। सूरत पुलिस ने खुलासा किया तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एक एक बोरे का राज खुलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। संत नहीं, अरबों की दौलत का मालिक है नारायण साईं। 2 महीने पहले सूरत पुलिस ने नारायण के जिन 42 बोरों को छापेमारी में बरामद किया था, उसका राज अब पुलिस ने खोला तो साईं किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं निकला। नारायण साईं के फरारी के दौरान 26-27 अक्टूबर को सूरत पुलिस ने अहमदाबाद के सीजी रोड पर एक फ्लैट में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में सूरत पुलिस को 42 बोरे मिले थे। इन बोरों में नारायण साईं की काली करतूत के कागजात भरे थे, जिनकी जब जांच हुई तो साईं 9,000 करोड़ का मालिक निकला। किसी आम बिजनेसमैन के पास भी इतनी दौलत नहीं होती है। नारायण साईं जब एब्सकॉन्ड कर रहे थे उस समय उनके लिए काफ़ी जगह तलाशियों का अभियान शुरू किया गया था, कई जगहों पर छापामारी की गई थी। इसी सिलसिले में अहमदाबाद शहर में 26 और 27 अक्टूबर को एक तलाशी की गई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, 6 कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और एक CPU रिकवर किया गया था। छापामारी में मिले इन बोरों की जब जांच शुरू की गई तो एक एक कर नारायण की काली करतूत खुलती चली गई। फॉरेन एक्सचेंज, कैश इन्वेस्टमेंट से लेकर वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें इन 42 बोरों में भरे हुए थे। किसी अनाज के गोदाम की तरह अहमदाबाद में ये छुपा कर रखे गए थे। जितने कागजात हमें मिले हैं उसी के आधार पर कैलकुलेशन किया गया। इसके अलावा भी बहुत से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बहुत सी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनके कागजात हमारे कब्जे में नहीं हैं। पुलिस का कहना है कि जब इन कागजों का हिसाब किताब हुआ तो इसका मूल्य 9 से 10 हजार करोड़ तक पहुंचता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी बहुत से ऐसे कागजात हैं जिनका कैलकुलेशन करना अभी बाकी है। काले धन छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग की सीमा सिर्फ गुजरात तक ही नहीं बल्कि देश के 9 राज्यों में फैली है। करीब 200 करोड़ के आसपास फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट चेक्स और फॉरेन एक्सचेंज के डीलिंग्स वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से पड़ताल के लिए गुजरात के 10 जिलों में 105 सर्वे कराए, महाराष्ट्र, MP, AP में 89 सर्वे कराए गए, जिससे ये पता चल पाएगा कि जमीनों के जो कागजात मिले हैं तब इसकी क्या कीमत थी और अब क्या है, उस वक्त कितनी कीमत पर लिए गए थे या धोखाधड़ी से कागजात तैयार किए गए थे, क्योंकि ज्यादातर कागजों पर कम कीमत चढ़ी हुई है। पुलिस का कहना है कि इसमें ज्यादातर जमीन ऐसी है जिसे धोखे से लिया गया होगा या फिर बहुत ही कम कीमत पर लिया गया है। इन बोरों में ट्रांजेक्शन के पेपर भी हैं जो या तो आसाराम के नाम से हैं या फिर उनके साधकों के नाम से। आसाराम और नारायण साईं और उनके जो नज़दीक के अथवा तो संबंधी हैं या आश्रम में साधक रहे हुए हैं, जो उनका कोर ग्रुप है, उनके नाम पे ये जमीन के कागजात दिखाई दे रहे हैं। बोरों से मिले कागजात में कैश का 3,500 से 4,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। ये जानकारी CPU और हार्ड डिस्क से मिली है। इनके बैलेंस शीट्स वगैरह जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में दिखाई दिए गए थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कैश का ट्रांजैक्शंस दिखाई देता है। करीब 4,000 करोड़ के आसपास, 3,500 से 4,000 करोड़ के बीच में कैश का ट्रांजैक्शन है।